रिलेटिवली। ये देखिए, ये वो डैम है जो पानी पहले वहाँ तक होता था। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, पानी वहाँ पे था और आज देखिए पानी कितना पीछे चला गया है। मेरा ख्याल है कम से कम भी 80-90 फुट पीछे जा चुका है पानी। जी मैं भी इस वक्त हूँ, कौन सा डैम है ये, गार्नर डैम, या ओके जी, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ गार्नर डैम पे और मैं एंजॉय कर रहा हूँ चाट। बहुत मज़े का चाट बना हुआ है आज, क्योंकि सनी डे था तो गर्मी थी दिन को काफ़ी ज़्यादा, और अभी जैसे जैसे सूरज ग़ुरूब हो रहा है तो मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है, और मैं अभी ये थोड़ा सा चाट इन्जॉय करके तो फिर स्विमिंग के लिए भी जाऊंगा। तो अभी काफ़ी बेहतर है मौसम, वरना इससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिन को। हम आज गार्नर डैम पे आए हुए थे, सारा दिन हमने इधर गुजारा है। दिन को बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी थी, तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि गार्नर डैम चला जाए, वहाँ पे थोड़ी सी स्विमिंग वगैरह करेंगे। अभी मैं वापस जा रहा हूँ गार्नर डैम से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। आज का दिन काफ़ी बिजी और इन्जॉयमेंट वाला रहा, और ये भी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है डैम के ये जो स्पिल वेज हैं, अभी हम उनके ऊपर से गुजर रहे हैं और लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये स्पिल वेज है, नीचे यहाँ पे बिजली बनती है जो सस्कटून एरिया में यूज